हैदराबाद पहुंची केंद्रीय मंत्री मीनाक्षी लेखी ने जनसभा को संबोधित किया और मोदी सरकार की उपलब्धियां गिनाई। शुक्रवार के रामेश्वर गेस्ट हाउस में लोकसभा सांसद व केंद्रीय मंत्री मीनाक्षी लेखी ने एक जनसभा को संबोधित किया, साथ ही भाजपा सरकार में कराए गए विकास को बताया। वहीं जनसभा के दौरान पूर्व विधायक सांसद सहित जिले के वरिष्ठ भाजपा नेता व कार्यकर्ता मंच पर मौजूद रहे। फिरोजाबाद के शुक्रवार में भारतीय जनता पार्टी के उत्तर प्रदेश सरकार के राज्य मंत्री अजीत पाल सिंह, लोकसभा सांसद व केंद्रीय मंत्री मीनाक्षी लेखी ने 2024 लोकसभा चुनाव को लेकर भाजपा कार्यकर्ताओं में जोश भरा। वहीं मीडिया से बात करते हुए उत्तर प्रदेश सरकार व केंद्र सरकार द्वारा चलाई जा रही विकास योजनाओं का जिक्र किया। वहीं 2024 में लोकसभा चुनाव की तैयारी की बात भी कही है। सौराज सिंह, फिरोजाबाद, समाचार 24। कि आप घर से निकलो और अपने पिता के घर जाके रहो, तो जो प्रधानमंत्री आवास योजना के मकान है, एकदम से उन्होंने समाज का समीकरण बदला, क्योंकि वो मकान की जो मालकिन है वो पत्नी है, वो उस परिवार की महिला है। तो समाज में चाहे लोन की बात हो, सेल्फ हेल्प ग्रुप्स की बात हो, लगातार इन समूहों के माध्यम से, जनधन के खातों के माध्यम से, सीधे तौर पर जनधन खाते, आधार और मोबाइल फ़ोन, इन सबको जोड़ते हुए जो काम हुआ है देश में, वो एक ट्रांसपेरेंट, पारदर्शी सत्ता और जिसकी जो ज़रूरत है उसको पहुंचाने का काम किया। और जो जनता से जुड़े हुए, जो सीधा पैसा होता था, जो जनता के हाथ में जाना होता था, ऐसी पूर्व की सरकारों ने भी माना कि 100 रुपया चलता है तो 15 रुपया उस व्यक्ति के हाथ में पहुंचता है, लेकिन हम प्रधानमंत्री मोदी जी फिरोजाबाद में